साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जिमें जिमें अपने दसम ग्रंथ के विच नेह कलंक अवतार के बारे दसना कीता ते कलयुग के बारे दसिया भी कलयुग के विच की होवेगा तां उहदे बारे आओ आपां जानना करिए संगत जी, क्योंकि मन्निया जांदा कि कलयुग की जिहड़ी उम्र है वह 432,000 साल मन्नी जांदी है। इस तरह करके विद्वाना दे विचार हन, एडी वड्डी इहदी उम्र है। गुरु साहिब जी ने ते अथ नेह कलंकी 2400 अवतार कथनंग दे विच इह श्री दसम ग्रंथ दे विचों गुरु प्यारिओ कोई अपने काल वल्लों नहीं है। कई बार मन दे विच शंके पैदा हो जांदे आ ते गुरु गोबिंद सिंह जी दसदे आ वी हुण मैं अपनी बुद्धि नूं चंगी तरह शुद्ध करके चित लगा के विचार पूर्वक कथा कहना हाँ जो नेह कलंक अवतार दे बारे आ। तो आओ आपां हुण सरवण करिए गुरु प्यारिओ। जदों धरती दे उपर पाप ग्रस्त कछ जात न बरणी, जदों धरती पूरी पापां दे नाल ग्रस जावेगी, भांत भांत दे उपद्रव जां खराबियां धरती ते होणगियां। किवें होणगियां खराबियां? गुरु साहिब जी कहिंदे भी मां पुत्तर नूं लैके सेज सुख माणेगी। जदों माता ते पुत्तर दा संबंध जिहड़ा ना मैला हो जाएगा, पुत्री ते पिता दे नाल इह निरसंकोच रमण करेगी, भाव कि पुत्री ते पिता दा जिहड़ा रिश्ता धी ते पिता वाला नहीं रहेगा। अज असीं वेखदे हां सारियां चीज़ां हो रहियां ते महाराज जी ने इत्थों तक कहा भगणी भरत भरात कहो अंका, ते जदों भैण भरा नूं जफ्फी पाउंदी आ, भरात बहन तन करत बिहारा, ते भरा भैण दे नाल गलत तरीके दे नाल नजायज संबंध उसारदा काम करम करदा है, ते सारे संसार ने व्याही हुई इस्तरी नूं त्याग दिता, जदों सारी प्रजा वर्ण शंकर मिश्रित हो गई आ, भाव कि राजे तों बागी हो गई आ, राजा भी प्रजा तों बागी हो गया, राजे ने अपनी प्रजा दा ख्याल नहीं रखिया, अपने बच्चियां दे वांग प्रजा नूं नहीं जाणिया, प्रजा ने भी टैक्स देने छड्ड दित्ते राजे नूं, ते प्रजा भी राजे तों कन्नी कतराउंदी आ। जदों ऐसा समां जदों आवेगा एक जात दी पछाण वाला कोई नहीं रहेगा, घरां दीआं इस्त्रियां विच बहुत व्यभिचार पैदा हो जाएगा, चंगे चंगे घरां दीआं इस्त्रियां चरित्रहीन हो जाणगियां, धर्म आधारित प्रीत दी जिहड़ी रीत आ उह भुला दित्ती जाऊगी, घर घर दे विच कूड दी मस्या पसर जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहिंदे साच कला सच की दुर गई, सच रूपी चंद्रमा दी कला लुक छिप जाएगी, जिथे जिथे देखांगे लड़ाइयां कलेष बलात्कार आदि होने लगनगे जो अज हो रहा, ते पुत्र माता दे नाल सेज सुख माणेगा, ढूंढण ते भी कितों सच नहीं मिलेगा, झूठ ही झूठ चारे पासे होवेगा, सारिया ने अपना चित झूठ दे विच लाया होवेगा। अजिही हालत दे विच ना घर घर दे विच वक्खो वक्खरे मत हो जाणगे, सास्त सिमरत छूहै ना कोई, धार्मिक ग्रंथ जिहड़े आ सिमरतियां वेद पुराण इन्हां दा पाठ कोई नहीं करेगा। अज असीं वेखदे हां गुरु प्यारिओ फॉरन कंट्रियां दे विच तुसीं वेखो सर्वे करके, ते उत्थे जा के इंटरनेट दे उपर देखो ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਰਚਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦਵ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਰਕਾ ਰਹਿ ਹੈ, ਇਮਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ